नोएडा की सेक्टर 100 में रह रहे 50 साल से लोगों के मकान प्राधिकरण द्वारा तोड़े जा रहे हैं। वहीं किसानों का कहना है कि अब हम इस तरीके को बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि हम 50 साल से यहां रह रहे हैं और प्राधिकरण आकर नोएडा की बोर्ड लगाकर हमारे घरों को तोड़ रहा है। इसीलिए हम लोग सभी गाँव के किसान इकट्ठा होकर यहाँ पंचायत कर रहे हैं और आगे का निर्णय निकाला जा रहा है। वहीं नोएडा प्राधिकरण द्वारा किसानों को ध्वस्ती कर नोटिस देने के खिलाफ वोड़ा महोदय के निकट स्थित सराय कॉलोनी सेक्टर 100 में सर्वदलीय किसान महापंचायत का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता पंडित हरिश्चंद्र शर्मा ने की और संचालन सपा जिला प्रवक्ता राघवेंद्र दुबे ने किया है। इस अवसर पर सपा जिला प्रवक्ता राघवेंद्र दुबे ने कहा कि किसानों की 50 साल से पुरानी आबादी है। जब अधिग्रहण के लिए सर्वे 2002 में किया गया था तो तत्कालीन एडीएम ने 23 कमरे बने हुए थे, यह अपनी रिपोर्ट में लिखा था। देखिए, इसलिए आंदोलन किया जा रहा, आप देख रहे हो कि पीछे सराय कॉलोनी है और ये किसानों की जमीन है और बहुत पुरानी आबादी है। पुरानी आबादी होने के बावजूद नोएडा ने उसे अपना नाम दर्ज किया, इसके बाद यहाँ से वो रोड निकालना चाहते हैं और जबरन निकालना चाहते हैं। जबकि सरकार की ये नियत होती है, अगर किसी किसान को दिक्कत है, किसी को कोई परेशानी है, तो अधिकारी आकर के उससे वार्ता करें और उनको संतुष्ट करें कि मुझे रोड निकालना है, इसकी एवज में मैं तुम्हें यहाँ पर जितनी ये महत्वपूर्ण भूमि है वहाँ देना चाहते हैं, या फिर उनकी ये मंशा हो लेकिन नहीं, वो जबरन निकालना चाहते हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सरकार लगातार किसान विरोधी है और इनकी अगर बातों में देखें तो इस तरीके से ये दम भरते हैं कि नहीं, ये किसान हितैषी सरकार है। और लगातार आप देखो कि ये किसान ने बहुत सारी किसानों की आबादियां उजाड़ी हैं, जबकि पिछली सरकार जब सपा सरकार थी, सपा सरकार में ये लोग बीजेपी के लोग बहुत उपद्रव करते थे, लेकिन अब देखिए सपा सरकार में एक भी पुरानी आबादी को कहीं भी कोई नोएडा में नहीं कह सकता है कि एक भी आबादी कहीं तोड़ी गई है। लेकिन इस सरकार में लगातार आबादियों को तोड़ने का काम किया जा रहा है और किसानों को जबरन धमका करके वहाँ से उनकी आबादी तोड़ी जा रही है। अगर बात करें यहाँ पर जो है बताया जा रहा है मामला जो है वो कोर्ट में भी है, तो जो स्टे था वो खारिज हो चुका है या स्टे अभी जमीन पर है? देखिए, स्टे इनका चल रहा था, स्टे चाहे वो वकीलों की उसमें शिथिलता रही हो या जो भी कारण रहा हो, वो स्टे हट गया, इसके बाद उसका मामला तो चल रहा है। सवाल यह उठता है कि जब आबादी दर्ज थी तो जबरन अधिग्रहण क्यों किया गया? वोड़ा महोदय मंदिर और भवानी शंकर इंटर कॉलेज सदर सराय को भी इन अधिकारियों ने अधिग्रहण की सूची में डाला हुआ है, जबकि नोएडा की स्थापना से पहले कॉलेज स्थापित हो चुका था। सपा सरकार में किसी भी किसान की आबादी की एक ईंट को भी नहीं तोड़ा गया था, लेकिन भाजपा सरकार में किसानों को अपनी आवाज उठाने पर भूमाफिया बना दिया जाता है। किसानों को न्याय मिलना चाहिए, इसके लिए अधिकारी वार्ता कर समस्या का समाधान खोज रहे हैं। किसानों पर अत्याचार, किसानों के बच्चों के ऊपर एक बहुत बड़ा जुल्म होने जा रहा है। नोएडा नाम दर्ज करके आबादी को ढहाने का काम हो रहा है और अब किसान जागरूक हो चुका है, अपने हक के लिए वो खड़ा हो गया है। अब किसी की हिम्मत नहीं जो किसान को परेशान करके, किसान के घर को तोड़कर कोई उसका बाल बांका कर सके। मेरे विचार में तो अब उनको पीछे हटना चाहिए। अब किसान एक इंच जमीन अपनी इनको नहीं देगा बिल्कुल भी। ये जो मांग कर रहे हैं आप लोग यहाँ पर, आज पंचायत हो रही है, महापंचायत, ये किस चीज को लेकर हो रही है? आज यहाँ जो महापंचायत है, उन्होंने जिस जमीन के ऊपर हम 50-50 साल से रह रहे हैं, उस जमीन के ऊपर नोएडा नाम दर्ज करके और उसको तोड़ने की कयामत है उनकी। आधे आधे गांवों पर नोएडा नाम दर्ज हुआ पड़ा है और जहां उनकी मर्जी आती है वहां वो तोड़ देते हैं। अब तक ऐसे ही चलता रहा, परंतु अब किसान ऐसा नहीं होने देंगे, अपने घरों को नहीं टूटने देंगे। ये घर बने हुए पीछे घर बने हुए हैं, वो इन सबको तोड़कर यहां से रोड निकालना चाहते हैं। ये सरासर गलत है। किसान ने कोई मुआवजा नहीं लिया है, किसान के बच्चे इस पर रह रहे हैं। निश्चित तौर पर अब हम ऐसा नहीं होने देंगे।